नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। हम कर रहे हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले भी ये पार्ट वन आया हुआ है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट, चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुग़ल शासक ने बनवाई थी? तो इसका आंसर है शाहजहां ने बनवाई थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ के लिए किए थे, है ना, तो वो जानकारी किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है वो महाभाष्य से हमें प्राप्त होती है। वो जो जानकारी है उसे के पुष्यमित्र था जो, उसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, वो जानकारी हमें महाभाष्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो इसका आंसर है जे ऋग्वेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका आंसर है हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरामचरित्रम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जी बभूति है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नाम पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है जी अलबरूनी ने लिखी है वो पुस्तक। वो जो अलबरूनी था वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमर के राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो इसका आंसर है जी उन्होंने राजेंद्र प्रथम से जो मित्रता थी वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में हके शौर्व क्या था? इसका आंसर है वो सिंचाई कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायब ए मामलकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो इसका आंसर है मोइज़ उद्दीन बहराम शाह ने किया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है जी शौहरत-ए-आम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो इसका आंसर है जी मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो इसका आंसर है अयोध्या अभिलेख से। ठीक है, जे अभिलेख से पुष्टि है, लास्ट पीछे जो आया था वो ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका आंसर है जी चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो इसका आंसर है 7 वर्गों में बटा हुआ था। ये जो वर्ग थे, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्याय अधिकारी और पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है पेशावर में थी, पुरुषपुर में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है कैलाश मंदिर का, काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ससाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? इसका आंसर है गौतमी पुत्र शतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? इसका आंसर है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात में स्थित है वो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स आगे भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।